अनुरत आंदोलन प्रवर्तक युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। अनुरत अनुशासता, अनुरत यात्रा प्रणेता परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। उपस्थित समस्त चारित्रात्माओं के श्री चरणों में वंदना। धर्मसभा, गुरुदेव वह दिन मेरे अभी भी मस्तिष्क पटल पर है जब खैरोद जैसे छोटे से एक गांव में आपने अनुव्रत के कार्यकर्ताओं में और अनुव्रत के साथ जीने वाले लोगों में एक उत्साहवर्धन कर दिया। उस दिन आपने अनुव्रत यात्रा घोषित कर अनुव्रत के प्रत्येक कार्यकर्ता को उत्साहित किया, अनुव्रत में विश्वास रखने वाले समस्त जनमानस को उत्प्रेरित किया। समस्त अनुव्रत परिवार आपके प्रति कृतज्ञ है, नमन है। आज का यह विशिष्ट दिवस, संयम दिवस, पूज्य प्रवर आपने अभी जो ये सब नीले टी शर्ट में यहाँ पे लोग थे लक्स क्योर के गौतम जी बाफना की फैक्ट्री के एक शिफ्ट के यह साथी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपने तीन संकल्प उनको अभी आपकी सन्निधि में कराए। परम पूज्य गुरुदेव ने जब हम पाली के आसपास आपके उत्पात में हम थे और आपने तीन संकल्पों के संदर्भ में हमें एक दिशा बोध और फरमाया था। वह यह था कि मैं प्रतिदिन प्रति मंगलवार को, हर सप्ताह के प्रति मंगलवार को एक घंटा मौन की साधना करने का प्रयास करूं। दूसरा, नशे की प्रवृत्ति से मैं दूर रहूं। और तीसरा, मैं मांसाहार नहीं करूं। पूज्य प्रवर, मैं मानता हूं कि जो ये साथी आज यहां इस पंडाल में बैठे हैं, मेरे माता पिता समान सभी व्यक्तित्व और युवा और महिलाएं, वह भी यह चिंतन करें कि जब पूज्य प्रवर का यह दिया एक हमें मिशन है, एक सूत्र है, तो क्यों ना हम भी उसमें सहभागी बने। इन लगभग 700 के आसपास की जो इन सदस्यों की संख्या है लेक्स क्यूर के, उन्होंने तो संकल्प ले लिया, लेकिन जो आज यहां जनता बैठी है वह भी संकल्पित हो, जैसा पूज्य प्रवर प्राय प्राय फरमाया करते हैं कि जो साधना करना चाहता है और जो संकल्प ले रहा है वह अपने हृदय से ले, उसे आत्मसात कर सके तब तो वह संकल्प ले, अन्यथा जबरदस्ती से किया हुआ काम कभी भी फलित नहीं हो सकता। पूज्य प्रवर जब भी अनुकूल समझे तो इस जनता को भी जो आज इस पंडाल में उपस्थित है वह भी संकल्पित होना चाहे तो निश्चित रूप से आपके उपपात में वह भी संकल्पित हो। पूज्य प्रवर, अनुव्रत विश्व भारती के माध्यम से अनुव्रत अमृत महोत्सव के दौरान जो क्रम संपादित होने हैं, मैं आप श्री की निश्रा में उपस्थित होकर के निश्चित रूप से उसे आगे हमें कैसे संपादित करना है आपका मार्गदर्शन अपेक्षित रहेगा। आपकी कृपा दृष्टि सदैव अनुव्रत विश्व भारती परिवार पर बनी रही है, अनुव्रत के प्रत्येक कार्यकर्ता पे बनी रही है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन छोटे छोटे कंधों पर आचार्य श्री ने क्या विश्वास किया कि अनुव्रत यात्रा जैसी एक महान यात्रा घोषित कर दी। और कार्यकर्ताओं का निश्चित रूप से मानता हूं कि यह अहोभाव है, इस यात्रा को हमें बहुत सफल बनाना है, सुफल बनाना है। इन्हीं शुभ भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।